सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों रियलमी इंडिया के अंदर फिर से एक नया फोन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है दोस्तों रियलमी 7i। दोस्तों रियलमी इस बार इंडिया में काफ़ी फोन लॉन्च कर चुका है जिनमें हमें काफ़ी फोन अच्छे अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन दोस्तों इस बार रियलमी फिर से एक नया फोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम दोस्तों रियलमी 7i है। तो दोस्तों इस फोन में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या है इसकी प्राइस और ये कब लॉन्च होगा, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रियलमी ने कुछ टाइम पहले इंडिया के अंदर रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो लॉन्च किए थे जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छे फोन है, लेकिन दोस्तों रियलमी फिर से एक नया फोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम दोस्तों रियलमी 7i है। तो दोस्तों ये फोन 6i का अपग्रेड है या फिर डाउनग्रेड है ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसके पूरे स्पेक्स बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है और ये फ़ोन कितनी प्राइस पर आएगा और कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 6.5 इंच की एक HD डिस्प्ले मिलेगी, जबकि दोस्तों हमें 6i में फुल HD डिस्प्ले मिली थी। दोस्तों इस बार हमें सिर्फ HD डिस्प्ले में काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों इसकी बैक की बात करें तो इसमें हमें प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी जो कि दोस्तों एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। दोस्तों इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर हमें इस बार 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ दोस्तों आपको 18 वाट का फास्ट चार्ज मिलेगा, जबकि दोस्तों 6i में हमने 25 वाट का फास्ट चार्ज देखा था। तो दोस्तों इस बार हमें जो चार्ज मिल रहा है वो भी आपको 6i से थोड़ा छोटा मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो चार्ज आ रहा है वो 18 वाट का है। दोस्तों इस बार जो हमें इसमें कैमरा मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो कैमरा है, इसका जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जबकि 6i में हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिला था। तो दोस्तों इसका जो कैमरा है वो 6i से अपग्रेड है। दोस्तों इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। 6i के अंदर भी दोस्तों हमें सेम कैमरा देखने को मिला था। दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो रियलमी 7i के अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों एक नया प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों रियलमी 6i के अंदर हमें जो मिला था वो था मीडियाटेक का हेलियो G90T जो दोस्तों एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर था। तो दोस्तों इस बार हमें प्रोसेसर जो मिल रहा है वो भी काफ़ी छोटा मिल रहा है रियलमी 6i के मुकाबले। तो दोस्तों रियलमी 7i फ़ोन है वो कुछ मामलों में रियलमी 6i का अपग्रेड है और कुछ मामलों में देखा जाए तो रियलमी 7i से ये डाउनग्रेड है, क्योंकि दोस्तों इसका जो कैमरा है वो 6i से ज़्यादा बेटर है। इसकी बैटरी दोस्तों पहले से काफ़ी बड़ी है, लेकिन दोस्तों इसकी डिस्प्ले है वो सिर्फ HD कर दी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से ये कुछ मामलों में अपग्रेड है और कुछ मामलों में डाउनग्रेड है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइस की। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको 12 से 13 हज़ार रुपये की रेंज में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों 15 से 20 हज़ार रुपये रेंज में रियलमी ने ऑलरेडी 2 फोन लॉन्च कर दिए हैं जो है रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो, और दोस्तों 10 हज़ार रुपये की रेंज में भी रियलमी के कई फ़ोन हैं जैसे कि दोस्तों नारो सीरीज़ के हैं। तो दोस्तों 12 से 13 हज़ार रुपये की जो रेंज है यही दोस्तों एक लिस्ट खाली रह जाती है जिसमें दोस्तों आपको रियलमी 7i देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों रियलमी 7i ये फ़ोन है जो 7 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है और आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये फ़ोन 6i का अपग्रेड है या फिर डाउनग्रेड है, आपको इस वीडियो में अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।